साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगा है। शिवसेना प्रमुख ठाकरे को इस बार उनके करीब 30 साल पुराने साथी ने अकेले छोड़ दिया, अलग थलग कर दिया और अचानक से विरोधियों का, दुश्मनों का दामन थाम लिया, हाथ थाम लिया। लेकिन इस पर नया और बड़ा खुलासा ये हुआ है कि ये भी संजय राउत की ही देन है। जी हाँ, राउत के ही कांड इसके पीछे की वजह मानी जा रही है और राउत के कारनामों की वजह से ये बहुत बड़ा कांड यहाँ पर उद्धव ठाकरे के साथ हुआ है, क्योंकि राउत के कारनामों ने पुराने दोस्तों को तो दुश्मन बनने पर मजबूर कर ही दिया, लेकिन यहाँ पर 30 साल पुराने साथी को भी मजबूर कर दिया गया। तो बताते हैं आपको, दिखाते हैं सब कुछ, कैसे मुश्किल में आ गए उद्धव ठाकरे, कैसे राउत के कारनामे पर गए भारी। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का नया व्लॉग आ गया है, उसे जरूर देखें, जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो संजय राउत जेल में है, अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। हालांकि अभी तो प्राइमरी तौर पर ही जेल में है, लेकिन पक्के तौर पर और भी लंबे समय तक संजय राउत को जेल जाना पड़ सकता है। जेल में उनका परमानेंट घर होना भी तय है, क्योंकि जिस तरह से सबूत और गवाह उनके खिलाफ मिले हैं वो काफी कुछ कह रहे हैं। राउत को पक्के तौर पर जेल भेजने के लिए काफी है। अब इस बीच जिसने भी शिवसेना का साथ छोड़ा, जिसने भी उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किल खड़ी की, सब ने एक ही बात बोली कि संजय राउत की वजह से सब कुछ हुआ। राउत ने शिवसेना को बर्बाद कर दिया, उद्धव ठाकरे को भी गलत रास्ते पर संजय राउत ही लेकर गए, ऐसा कहकर शिंदे गुट अलग हो गया। एकनाथ शिंदे तो मुख्यमंत्री तक बन गए। अब इस बीच उद्धव ठाकरे और उनके परिवार मातोश्री में करीब 30 साल से उनके करीबी रहे चंपा सिंह थापा ने भी उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ दिया। जी हां, शिवसेना संस्थापक बाला साहब ठाकरे के साथ हर वक्त साई की तरह रहने वाले, उनके हर काम का ध्यान रखने वाले, बेहद करीबी माने जाने वाले चंपा सिंह थापा मातोश्री में ही रहते थे। लेकिन अब चंपा सिंह ने मातोश्री को, उद्धव ठाकरे को, शिवसेना को छोड़ दिया है। जी हां, चंपा सिंह ने मातोश्री को छोड़कर एकनाथ शिंदे का दामन थाम लिया है। ठाणे में हुए कार्यक्रम में चंपा सिंह ने एकनाथ शिंदे गुट का दामन थाम लिया। अब हालांकि इसे लेकर कई बातें कही जा रही थी, कई चीजें आ रही थी, लेकिन अब जो असली खबर है, पक्की खबर जो निकल कर आ रही है, वो बड़ी है, हैरानी भरी है। और वो ये है कि चंपा सिंह थापा को भी उद्धव ठाकरे से अलग करने वाले कोई और नहीं बल्कि संजय राउत ही है, और उद्धव ठाकरे को फिर से मुश्किल में डालने वाले, फिर से उद्धव का संकट बढ़ाने वाले भी संजय राउत ही है। जी हाँ, ऐसी बातें निकल कर आ रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि संजय राउत का मातोश्री में लगातार कद बढ़ता जा रहा था। राउत ने पुराने लोगों को किराने करना शुरू कर दिया था और कई सारे पुराने लोगों को अलग थलग कर दिया गया था। बाला साहेब के करीबी रहे चंपा सिंह थापा को भी संजय राउत ने साइडलाइन कर दिया था। उद्धव ठाकरे के घर पर भी उन्हें नहीं रहने दिया जा रहा था और सूत्रों के मुताबिक कई बार चंपा सिंह ने इसे लेकर उद्धव ठाकरे से बात करने की कोशिश की, लेकिन बात हो नहीं पाई और चंपा सिंह इसके लिए संजय राउत को ही जिम्मेदार मानते हैं। चंपा सिंह के मुताबिक राउत के मजबूत होने के बाद उद्धव ठाकरे ने अन्य लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया था और वो सिर्फ संजय राउत की ही बात सुनते थे, संजय राउत की बात समझते थे। और इसी के बाद चंपा सिंह ने न सिर्फ उद्धव ठाकरे का दामन अब छोड़ दिया है, बल्कि उद्धव के इस वक्त में सबसे बड़े दुश्मन, सबसे बड़े विरोधी एकनाथ शिंदे गुट का दामन थाम लिया है और शिंदे के साथ शामिल हो गए। और वैसे आपको एक और बड़ी बात ये भी बता दें, एकनाथ शिंदे हो या फिर उनके साथ गए सारे के सारे विधायक, उन सब ने भी एक सुर में संजय राउत पर आरोप लगाए थे और उद्धव ठाकरे को अलग थलग कर देने का आरोप लगाया था। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर चंपा सिंह मूल रूप से नेपाल के रहने वाले हैं और नेपाल में शिवसेना को मजबूत करने में भी उनका बड़ा योगदान है और साथ ही साथ महाराष्ट्र में भी नेपाली मूल के लोगों में शिवसेना का खासा प्रभाव रहा है और माना जाता है कि इसीलिए बाला साहेब ठाकरे भी हमेशा चंपा सिंह को अपने साथ ही रखते थे, पास रखते थे। महाराष्ट्र और मुंबई में कई नेपाली मूल के लोग हैं और चंपा सिंह उन ग्रुप्स पर खासी पकड़ रखते हैं, लिहाजा एकनाथ शिंदे ने ये बड़ी चोट की है। न सिर्फ चंपा सिंह जो कि मातोश्री के करीबी थे, उन्हें तोड़कर अपने पाले में कर लिया, बल्कि आने वाले चुनाव के लिए नेपाली मूल के लोगों को भी अपने पाले में करने के लिए बड़ा दांव खेल दिया, बड़ा संदेश दे दिया कि अब चंपा सिंह जो कि नेपाल के करीबी हैं, जो कि मातोश्री में रहते थे, बाला साहेब के करीबी थे, उनको अपने साथ कर लिया है, वह मातोश्री के साथ नहीं है, एकनाथ शिंदे के साथ है। ये साफ साफ संदेश यहाँ पर एकनाथ शिंदे जो कि मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के, उन्होंने दे दिया है। और इसके लिए उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका यहाँ पर लगा है, क्योंकि उद्धव ठाकरे को न सिर्फ व्यक्तिगत तौर पर झटका है बल्कि पार्टी के तौर पर भी, चुनावी वोट बैंक के तौर पर भी ये बड़ा झटका। और इसकी वजह
सिर्फ और सिर्फ संजय राउत है जो कि कहा जा रहा है, और इस वक्त संजय राउत जेल में है, लेकिन आरोप लगातार उन पर ही लग रहे हैं कि संजय राउत की वजह से चंपा सिंह ने मातोश्री को, उद्धव ठाकरे को छोड़ दिया और यहाँ पर बहुत बड़ा झटका दे दिया। तो आपका क्या मानना है, संजय राउत के कांड और कितना उद्धव ठाकरे को आगे भी ले डूबेंगे? कमेंट करके आप जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का नया व्लॉग आ गया है, उसे जरूर देखें, जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो संजय राउत के लिए बचना कहीं से भी संभव नहीं है, नामुमकिन दिख रहा है, क्योंकि हालात हर जगह से राउत के लिए खराब नहीं बल्कि बहुत ज्यादा खराब होते हुए दिख रहे हैं। और इस बीच जो नया खुलासा हुआ है, ईडी ने जो नई बात निकाली है, उसने तो राउत और उसके करीबियों तक भी आंच पहुंचा दी। अब पहले आपको बताते हैं कि ये बड़ा खुलासा क्या, और फिर बताएंगे कि इसमें कौन कौन अब फंसने वाला है और इस खुलासे के मायने क्या है। तो ईडी ने बड़ा खुलासा किया और बताया है कि संजय राउत ने पात्रा चौल घोटाले में जो पैसे मिले थे, उससे अच्छी खासी बड़ी डील की गई थी और उस डील का पैसा कई जगहों पर खपाया गया था। ईडी को दिए गए अपने बयान में स्वप्ना पाटकर ने भी बताया है कि मुंबई के पास अलीबाग में प्राइम जगह पर जमीनें खरीदी गई और कई सारे प्लॉट्स खरीदे गए और करीब 10 करोड़ के इन प्लॉट्स की कीमत सिर्फ 51 लाख रुपए दिखाई गई। और ये दावा स्वप्ना पाटकर ने किया और इसलिए किया है क्योंकि स्वप्ना का कहना है कि उसके पति सुजीत पाटकर ने ही इसके लिए कैश का इंतजाम किया था और ये डील ज्यादातर कैश देकर ही की गई थी। अब ये बात स्वप्ना पाटकर ने कही है, जिसे कई लोग जानते भी होंगे, लेकिन इसके बाद वाली बात बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहीं पर नई बात यह है कि ईडी के मुताबिक संजय राउत ने इस डील के लिए अलीबाग में जबरदस्ती जमीन खरीद के इस पूरे मामले में अपनी राजनीतिक पावर का इस्तेमाल किया, अपनी पार्टी का इस्तेमाल किया, कुछ ऐसे बड़े नामों का भी इस्तेमाल किया जो कि उनके बहुत करीब हैं, यानी कि राउत के कुछ और लोगों का भी इसमें राउत ने इस्तेमाल किया। जी हाँ, यही बड़ा खुलासा यहाँ पर किया गया। अब सिंपल भाषा में मामला समझिए कि ईडी का आरोप है कि संजय राउत ने पात्रा चौल घोटाले से जो करोड़ों रुपए कमाए, उसको अलीबाग में जमीन खरीदने में लगा दिया, खपा दिया, और उसमें भी अपनी पार्टी यानी कि शिवसेना के नाम का इस्तेमाल किया, शिवसेना की ताकत का इस्तेमाल किया और अपनी खुद की राजनीतिक पावर का इस्तेमाल किया, राजनीति में अपने करीबी कुछ लोगों के नामों का इस्तेमाल किया, उनके भी प्रभाव का इस्तेमाल किया। और राउत ने ये कांड यहाँ पर ऐसे किया कि कुछ और करीबी पार्टियों के लोगों का भी इस्तेमाल किया, ऐसा ईडी का कहना है, जो कि स्वप्ना पाटकर के बयानों के आधार पर चार्जशीट में भी कहा गया। आगे देखिए, अब यहाँ पर बड़ा खुलासा यही है कि राउत के कुछ करीबी अन्य लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं, ऐसा ईडी का कहना है, जो कि उनकी पार्टी या फिर उनकी पार्टी के बाहर के लोग भी हो सकते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में सरकारें बदलती रही हैं, लेकिन राउत के हमेशा ही ठीक ठाक संबंध हर पार्टी के नेताओं से रहे। शरद पवार को, जो कि एनसीबी के अध्यक्ष हैं, उनका बेहद करीबी माना जाता है, तो एनसीबी में उनके कई और भी लोग करीबी हैं, शिवसेना में तो उनके कई करीबी हैं ही, साथ ही साथ ठाकरे परिवार भी उनका बेहद करीबी है, जबकि कांग्रेस में भी और बीजेपी में भी संजय राउत के कुछ करीबी लोग हैं, ऐसा लगातार कहा गया। अब यहाँ पर संजय राउत ने किन किन करीबियों का इस्तेमाल अपने घोटाले में किया, अपने घपले में किया, ये पता पूरी तरह से नहीं चला है, लेकिन बवाल जरूर बढ़ गया है, क्योंकि लोग कहने लगे हैं कि राउत ने अपने करीबियों को फंसा दिया है। मातोश्री, जो कि ठाकरे परिवार का घर है, शिवसेना का घर है, उसे भी लपेट लिया, ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि राउत की ही वजह से शिवसेना भी सवालों के घेरे में आ रही है, शिवसेना पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, और इसीलिए लोगों का कहना है कि कहीं संजय राउत अपने साथ ठाकरे परिवार को भी बर्बाद ना कर दे। और वैसे भी पहले से ही आरोप लगते रहे कि राउत की ही वजह से उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और एनसीबी के साथ गठबंधन किया, जो कि उद्धव ठाकरे को भारी पड़ गया, जिंदगी की सबसे बड़ी भूल है, ऐसा लोगों का कहना है, और ठाकरे इसी वजह से नुकसान में रहे। कुछ लोगों ने तो यहां तक कहा कि आगे भी ठाकरे को इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है, लेकिन अब तो अगर कहीं इस घोटाले की आंच भी दूर तक पहुंच गई और राउत के किसी करीबी तक पहुंच गई, तो उनका भी मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा। वैसे उद्धव ठाकरे बाला साहेब के परिवार से आते हैं, तो इसकी संभावना बिल्कुल भी नहीं है कि वो संजय राउत जैसा गलत काम करें, गलत कांड करें, लेकिन अगर संजय राउत ने फंसा ही दिया, राउत ने लटका ही दिया, अटका ही दिया, फिर तो हालात खराब ठाकरे परिवार के लिए भी हो सकते हैं। और इसीलिए कहा जा रहा है कि संजय राउत ने ठाकरे परिवार को भी, या कहें कि अपने करीबियों को भी, बड़े नेताओं को भी डुबा दिया है, और कहीं उनको पूरी तरह से ले ना डूबे। अब राउत ने अपनी पार्टी शिवसेना के साथ ही कुछ अन्य नामों का भी इस्तेमाल किया, जिनका खुलासा होना बाकी है। तो आपको क्या लगता है, कहां कहां तक संजय राउत ने कच्चा चिट्ठा फैलाया होगा, और क्या अपने करीबियों को वाकई में संजय राउत ले डूबेंगे? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं, वीडियो को अभी के अभी शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।